CDS IS सॉफ्टवेयर किस वर्ष विकसित किया गया था? तो 1985 में CDS IS सॉफ्टवेयर को विकसित किया गया था। CDS IS किस भाषा में लिखा गया है? तो पास्कल भाषा में CDS IS ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को पास्कल भाषा में लिखा गया है। CDS IS सॉफ्टवेयर किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको विकसित किया गया था। CDS IS कितने चरणों में बना है? तो चार चरणों में इस सॉफ्टवेयर को बनाया गया है और लाइब्रेरी ऑटोमेशन में इस CDS IS सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। ये एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है। CDS IS सॉफ्टवेयर का पूरा नाम क्या है? तो कंप्यूटराइज डॉक्यूमेंटेशन सर्विस इंटीग्रेटेड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये पूरा नाम है CDS IS कंप्यूटर का। CDS IS किस प्रकार की प्रणाली है? तो डेटाबेस मैनेजमेंट प्रणाली सॉफ्टवेयर है। CDS IS के संदर्भ में FST का क्या मतलब है? तो फील्ड सिलेक्ट टेबल है। ये दोस्तों प्रीवियस एग्जाम का क्वेश्चन है, आ चुका है सब क्वेश्चन, ये बन के ध्यान से पढ़िएगा। IS का रूपांतरण भाषा में पहले टैग कौन सा होता है? तो प्लस का होता है। CDS IS में डी लिमिट्स का क्या अर्थ है? तो सब फील्ड इंडिकेटर को कहते हैं। CDS IS किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो फ्री सॉफ्टवेयर है। देखिए दो प्रकार का लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर होता है, एक होता है ओपन सोर्स लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर और एक होता है प्रोप्राइटरी लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर। तो जैसे कोहा लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है वो ओपन सोर्स है, CDS IS भी फ्री है और सोल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर जो है उसके लिए आपको पैसा पेड करना है, इसलिए इसको प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर बोलते हैं। CDS IS को यूजर फ्रेंडली तैयार किसके द्वारा किया गया था? तो यूनेस्को के द्वारा इसको तैयार किया। 2002 क्या है? तो ये एक सॉफ्टवेयर है। संजय सॉफ्टवेयर किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो निषाद भारत सरकार का एक संगठन है। निषाद के प्रोजेक्ट के रूप में डेसी डॉक एंड डिफेंस साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर जो है वो DRDO का प्रलेखन केंद्र है, उसके द्वारा ये प्रोजेक्ट के रूप में के द्वारा बनाया गया था। संजय किस सॉफ्टवेयर का संशोधित रूप है? तो CDS IS। ये जो डेसी डॉक जो है ना, ये संजय सॉफ्टवेयर का ही यूज करता है। सॉफ्टवेयर का प्रथम संस्करण कब प्रकाशित किया गया था? तो 1992 में। संजय लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर किस पर आधारित है? तो CDS IS पर बेस्ड है। संजय लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर का पैकेज किसके द्वारा विपणन किया जाता है? तो निषाद भारत सरकार का एक संगठन है। अगर आप मौलाना निजी लॉ यूनिवर्सिटी से BS इन बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का कोर्स कर रहे हैं तो ये जो गाइड है पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान पुस्तोत्तर गाइड, इस गाइड को आप जरूर परचेज करेंगे। ये गाइड जो है वही जो विद्यालय द्वारा जो बेसिक्स का जो थ्योरी का जो पांचों पेपर है उन पांचों पेपर के लिए बनाया गया है। इस गाइड में आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव यानी क्वेश्चन उत्तर दोनों मिलता है। ये एक ई बुक गाइड है। इस गाइड को लेने के लिए आप ये वेब नंबर देख रहे हैं 7079297574 पे आप कॉल करके इस ई बुक गाइड को बहुत ही मिनिमम प्राइस पर मेरे से ले सकते हैं। इससे बार आपको एक भी क्वेश्चन मिल जाएंगे देखने को नहीं मिले। और आपको बिल्स यानी बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एग्जाम का क्वेश्चन बैंकिंग प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए मौलाना मजहरुल हक यूनिवर्सिटी के बिल्स एग्जाम का, तो आपको मिल जाएगा क्वेश्चन बैंक। देखिए ये जो क्वेश्चन बैंक है इसमें पिछले कई सालों के जो बिल्स के एग्जाम होता है उसका हूबहू एकदम सेम हूबहू क्वेश्चन पेपर है। इस क्वेश्चन बैंक यानी प्रीवियस ईयर पेपर को आप लेने के लिए ये जो आप नंबर देख रहे हैं 7079297574 इस पर आप कॉल करके घर बैठे क्वेश्चनों को ले सकते हैं। बिहार लाइब्रेरियन कंपटीशन एग्जाम या EMRS यानी एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल या केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय या किसी भी लाइब्रेरी साइंस से संबंधित कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो बुक है लाइब्रेरियन कंपटीशन एग्जाम नोट्स, इस बुक को ले लीजिए, इससे आपका सारा काम हो जाएगा। इस बुक को लेने के लिए आप ये जो नंबर देख रहे हैं घर बैठे लेने के लिए 7079297574 इस पर आप कॉल करके घर बैठे इस बुक को मंगा सकते हैं बिल्कुल लो प्राइस।